तो आपको खबर देते चलें कि हरीम शाह ने बाबर आजम से मुतालबा कर दिया। खबर की तफसील जानने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। मरूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से ICC वर्ल्ड कप 2023 हर हाल में जीतने का मुतालबा कर दिया है। बाबर आजम ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर भारत से अपनी नई तस्वीर शेयर की, जिसमें वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए होटल की लॉबी में बैठे हुए हैं। बाबर आजम ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि हमेशा शुक्रगुजारी करें, इससे ज़िंदगी में काफ़ी मदद मिलती है। कौमी कप्तान के इस ट्वीट पर जहां उनके मद्दाहों ने मुस्बत रद्दअमल दिया और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया, तो वहीं टिकटॉकर हरीम शाह ने बाबर आजम से टाइटल जीतने का मुतालबा कर दिया। हरीम शाह ने मुतालबा करते हुए कहा कि कप्तान साहिब, हमें हर सूरत ये वाला वर्ल्ड कप चाहिए, टीम को बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी। सोशल मीडिया सार्फी ने हरीम शाह के इस मुतालबे को धमकी करार देते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि आपकी धमकियों की वजह से कौमी टीम अच्छा खेल ना सके। ये वाजह रहे कि ICC वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। कौमी टीम इस इवेंट में अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी।